दोस्तों गियर नॉलेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुधाकर और मैं अपना ब्लैक स्टार 2 लेके तैयार हूं आपको बताने के लिए कि जो अभी हमारे पास जो अपडेट आया है ब्लैक स्टार 2 के लिए उसमें क्या क्या नया खास है। तो मैं तैयार हूं आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट लेके। देखिए मैंने पूरा होमवर्क कर रखा है, अब मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूं और क्या क्या खास है इस अपडेट में। और जिन लोगों के पास ये अपडेट नहीं आया है वो किस तरह अपने ब्लैक शार्क 2 को मैनुअली अपडेट भी कर सकते हैं अगर उनके पास ये अपडेट नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग की थीम ऐप थी वो थीम ऐप काफ़ी ज़्यादा जो है कस्टमाइज हो चुकी है। जैसे कि MIUI की फुल थीम ऐप अब आ चुकी है जिसमें आप चाहें तो अपना फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अपने डिवाइस का, और साथ साथ उसमें कई सारे फंक्शन आ चुके हैं और उसका लेआउट भी चेंज हो चुका है। तो चलिए चलते हैं थीम पे। ये हम लोग गए थीम पे और इस थीम पे देखिए, अगर आप यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शन इस टाइम आएंगे थीम का, वॉलपेपर, रिंगटोन, फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट नया है, इससे पहले फ़ॉन्ट हमारे ब्लैक शार्क के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो ये फ़ॉन्ट भी ऑप्शन आ चुका है। माई पेज का ऑप्शन अब आएगा आपके लिए, यहाँ पर आपका प्रोफाइल दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ॉन्ट का आपके पास ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने डिवाइस में फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक ऑप्शन अब आ चुका है कस्टमाइज थीम का। तो जैसे ही आप कस्टमाइज थीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैसेजिंग का और डायल पैड का दोनों का ऑप्शन भी आ चुका है। पहले लॉक स्टाइल आइकन्स और कुछ ही ऑप्शन यहाँ पे थे। अब यहाँ पर बूट एनिमेशन का आपको ऑप्शन भी मिल गया है, बूट ऑडियो का ऑप्शन भी मिल गया है, डायल पैड का और मैसेजिंग का ऑप्शन भी आपको मिल गया है। यहाँ पर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो ये तो एक थीम ऐप के रिगार्डिंग पूरी थीम जो हम लोग की MIUI की है वो हमको मिल चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हम लोग अपने डिवाइस को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसकी सेटिंग में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए एम्बिएंट डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको कुछ ब्लैक शार्क के कुछ AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के डिज़ाइन मिल चुके हैं। और देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये बाकी ये ऑप्शन पहले मौजूद थे लेकिन अब जो हमारे पास दो ऑप्शन आए हैं ब्लैक शार्क के टू ऑप्शन आए हैं। पहला ऑप्शन जैसे ये है, अगर मैं इसको इनेबल करूं और आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरह का ये लेआउट लेके आता है। काफ़ी अच्छा है, ब्लैक शार्क का लोगो बना हुआ है हमारे डिवाइस के बिल्कुल ही नाम के अनुसार। और जो दूसरा है उसमें आपका ब्लैक शार्क का लोगो आता है, इसमें आपको ब्लैक शार्क की जो फिश है वो नहीं आएगी, यहाँ पर आपका ब्लैक शार्क। तो इस तरह के दो जो हैं डिज़ाइन हम लोग मिल चुके हैं ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले के। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ब्लैक शार्क वाले जो हैं ब्लैक शार्क की फंक्शनलिटी को ही आगे इन्हेंस कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास हमारी थीम एप्लीकेशन में आप चाहें तो बूट एनिमेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि जो उसका बूट एनिमेशन है बाय डिफ़ॉल्ट जो कि चेंज हो गया है इस अपडेट के बाद, वो अब कैसा आ रहा है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का ये जो एस का सिंबल जो ब्लैक शार्क का है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे हम लोग जो हैं इस एस कलर में फिन्स देख सकते हैं, जिस तरह हमारे शार्क में फिन्स होती हैं। पहले का जो एस था उसमें देखिए ऊपर नीचे फिन्स नहीं थे, ये एक नॉर्मल एस था, लेकिन अब ये एस चेंज हो चुका है, इसमें फिन्स आ गए हैं। और साथ ही जैसे आप देख रहे होंगे ये एक डायनेमिक वॉलपेपर आ गया है ब्लैक शार्क का ही, ये काफ़ी कूल लुक देता है ब्लैक शार्क डिवाइस को। और अगर हम लोग इसके डिवाइस के अंदर जाएँ तो नहीं, ये देखिए यहाँ पर आपका इसके अंदर भी आपके होम स्क्रीन पर भी ये वॉलपेपर अप्लाई हो सकता है जैसे मैंने कर रखा है। तो ये काफ़ी कूल थिंग्स हैं जो कि हमें ब्लैक शार्क के इस अपडेट में देखने को मिली हैं। दोस्तों अगले फीचर तरफ बढ़ते हैं जो कि हम लोगों को इस अपडेट में मिला है। तो जैसा मैं आप दिखाऊँ, कैमरा को अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में जूम करें तो देखिए तुरंत ही ये जो है उसको जो लॉक कर लेता है और फोकस एकदम तुरंत हो जाता है। पहले ये फोकस में इशू होता था और ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी ऑब्जेक्ट को फोकस करने में, लेकिन इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और तुरंत ही डिवाइस फोकस कर ले रही है। मैं आपको अगर पिक क्लिक करके दिखाऊं, देखिए तो काफ़ी अच्छी तरह से फोकस हो जाता है। अब फोकसिंग में कोई इशू नहीं है जैसे आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये बात है कि हमारा कैमरे का फोकस वाला इशू जो था वो अब सॉल्व हो चुका है। इस अपडेट में हम लोगों को जून का सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिल जाता है, जैसे आप की देख सकते हैं ये सिक्योरिटी अपडेट जो है जून का है। और साथ ही यहाँ पर जॉय UI का लोगो भी काफ़ी चेंज हो चुका है, डिज़ाइन फॉर गेमर्स। ये जॉय UI का जो लोगो वगैरह है जो टेक्स्ट है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। तो ये कुछ डिज़ाइन वाले जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने देखे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ कि इस अपडेट में जो हमको नया मिला है, जाते हैं शार्क मोड में।
शार्क स्पेस। तो देखिए शार्क 3.0 स्पेस जो है वो नया यहाँ पर आ चुका है। इसमें काफ़ी कुछ नया है, पूरा ही लेआउट नया चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको नीचे डिवाइस ऑनलाइन का आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको जितने भी इसकी एसेसरीज है उसको आप लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर गेम कॉन्फ़िग जो कि यहाँ पर है गेम कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखें मिलेंगे, जिसमें आप ल्यूडिक्रस मोड में भी आप इसमें इनेबल कर सकते हैं, जिसमें कि डिवाइस बिल्कुल ही अग्रेसिव हो जाएगी गेम के लिए केवल, और सारा कुछ वो बंद कर देगी, केवल प्योर गेमिंग चलेगा आपका, जो कि काफ़ी अच्छा चलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, जैसे परफॉर्मेंस, डिस्प्ले में आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देख सकते हैं, टच में सेंसिटिविटी है और स्टेबिलिटी है, कितनी एक्यूरेसी आपको करनी है, ऑडियो भी आप स्पीकर का डिफ़ॉल्ट साउंड ले जाते हैं या आपको कस्टम ऑडियो चाहते हैं, माइक्रोफोन का एक्सक्लूसिव मोड भी अब यहाँ पर आ चुका है। साथ ही साथ आप नेटवर्क में भी बैकग्राउंड में आपको डेटा कितना रखना है, क्या करना है, वाईफाई को क्या 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 आपको एक्सेस देने हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और लाइट इफेक्ट के भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे आपके गेम में। सपोज़ करिए आप जैसे कि शूट करते हैं किसी या किसी एनिमी को हिट करते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको जो लाइट है वो चेंज होने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छे कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पर तो बेसिक सेटिंग में जो है आपका एनिमेशन और लाइट इफेक्ट आप यहीं से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राइवेट स्पेस भी मिल जाता है, यानी कि आप जैसे ही इस गेम मोड को ऑन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपकी हो जाएंगी, रिजेक्ट कॉल आपकी हो जाएं, आपका शील्ड नोटिस भी आपको मिल जाए, मेमोरी तुरंत क्लियर हो जाए, ब्लूटूथ का सेल्फ अडेप्टिव स्टीरियो ऑप्शन भी इनेबल करना है या नहीं करना है, इस तरह के कई चीज़ें आपको यहाँ से इनेबल करने का आपको छूट मिल जाती है। तो आप इस हिसाब से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये मोड खास उस लिए है कि यार सपोज़ करिए आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और आपके पास कॉल आती है, तो जैसे ही कॉल आएगी या अगर आप कॉल रिसीव करेंगे या कॉल जैसे ही इस्टेब्लिश होगी, आपका डेटा का जो कनेक्शन है बंद हो जाएगा, आपका गेम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए आपको ऑब्जर्वर मोड को भी ऑप्शन यहाँ पर मिला हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। गेम पैड है, मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है, शार्क कूलर है, ब्लूटूथ गेम हेडसेट है, ये सारी चीज़ें आपको जैसे पहले देखने को मिलती थी वो अभी भी हैं, लेकिन नई सेटिंग मिल गई है आपको, 3D लेआउट मिल गया है, नए फीचर्स मिल गए हैं, काफ़ी कुछ आपको मिल चुका है जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इस अपडेट में ये लिखा हुआ है कि इस डिवाइस में कुछ लोगों को माइक की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो माइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मेरे इस डिवाइस में तो माइक की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। आप मुझे नीचे कमेंट बताइएगा कि अगर आपके डिवाइस में ये प्रॉब्लम थी तो क्या इस अपडेट से वो फिक्स हुई है। और आप चिंता मत करिए, अगर आपको ये OTA अपडेट नहीं मिला है तो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आपको वो मैनुअल अपडेट आप अपने डिवाइस में ब्लैक शार्क 2 में कर लीजिए और आपका डिवाइस जो है लेटेस्ट अपडेट के साथ अपडेट हो जाएगा। तो OTA को वेट करने की ज़रूरत नहीं है OTA के लिए। चलिए बात करते हैं बैटरी की। तो इस अपडेट के बाद बैटरी काफ़ी अच्छी चल रही है। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 दिन पहले बैटरी चार्ज की थी, बट अभी भी मेरी 73% इसमें बैटरी बाकी है, इवन दो मैंने इसको फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अगर आप स्क्रीन की बात करें तो देखिए स्क्रीन का ऑन टाइम है 2 आवर्स 43 मिनट, यानी कि 2 घंटे 43 मिनट का मैंने स्क्रीन को ऑन कर किया था, उसके बावजूद ये 2 दिन के बाद इसका बैटरी का जो परसेंटेज है वो 73% है, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी बैटरी चल रही है इस अपडेट के बाद। दोस्तों गेम के दौरान अगर फ़ोन की हीटिंग की बात की जाए तो अभी भी इस फ़ोन में थोड़ी सी हीटिंग इशू है, लेकिन बाकी फ़ोनों के कंपेरिजन में काफ़ी इसको कम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन भी है, तो ये हीटिंग उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी फ़ोनों में होती है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी हीटिंग इशू है अभी, जो कि हो सकता है कि हम लोगों को आगे आने वाले अपडेट में इस चीज़ को दूर किया जाए। ये नया एनिमेशन आप देख सकते हैं जो कि चार्जिंग के लिए इस अपडेट में आया है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि ब्लैक शार्क ने अपना खुद का ही चार्जिंग का एनिमेशन को इस अपडेट में दिया है। इससे पहले इसमें MIUI 11 का एनिमेशन आता था, जो अगर मुझसे आप पर्सनली पूछें तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। चलिए आप ग्रीन कलर में ब्लैक शार्क 2 के लिए ही, या आप कहें ब्लैक शार्क सीरीज़ के लिए एक चार्जिंग एनिमेशन आ चुका है। देखिए AOD पे आ चला जाइए, ये काफ़ी अच्छा मुझको लगता है, तो मैं इसको AOD पे ही रखता हूँ। उसके बावजूद मुझको 2 दिन के बाद बैटरी का जो मेरा परसेंटेज है वो 73% मेरा बचा हुआ है अभी तक। तो दोस्तों ये तो कुछ ये थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जिन लोगों के डिवाइस में अभी तक अपडेट नहीं आया है तो उनको मैं बताना चाह रहा था कि क्या क्या इस अपडेट में आया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, आपको अपने डिवाइस में ज़रूर करना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं उन लोगों के लिए जिनकी डिवाइस में ये वाला अपडेट अभी तक नहीं आया है, उनको क्या करना है। मैं आपको एक लिंक दूंगा जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, तो बस इतना करना है कि उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, और उस डाउनलोड करने के बाद आप अपने जो डिवाइस के बिल्कुल रूट फोल्डर पर जाके आपको एक फोल्डर बनाना है OTA नाम से, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं OTA। इस OTA के अंदर उस वाली फाइल को जो कि आप डाउनलोड आपने की है उस लिंक से,
यहाँ पर उसको इस फोल्डर के अंदर OTA वाले फोल्डर के अंदर आपको उस फाइल को डाल देना है और उस फाइल को रीनेम करना है update.zip से। इस अपडेट में जैसे आप देख सकते हैं update.zip, इसमें सारा कुछ स्मॉल लेटर में है, कोई भी जो है कैपिटल लेटर में नहीं है। OTA का O कैपिटल है और TA स्मॉल में है, तो ये आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जाएंगे अपने डायलर पे और यहाँ पर डायल करेंगे *#*#, 1027#*#*, जैसे ही आप करेंगे आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखेंगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जो भी मैं आपको दिखाऊँ, आपको यहाँ पर कुछ सर्वर लिखे हुए हैं, टेस्ट सर्वर, फॉर्मल सर्वर, ठीक है। तो आपको फॉर्मल सर्वर पे इस तरह से टच करके फॉर्मल पे चलाना है, ये टच हो रहा है, कोई इशू नहीं है। तो आपको यहाँ पर फॉर्मल सर्वर करना है और उसके बाद ये देखिए ऑटोमेटिक ही OTA में फोल्डर के अंदर update.zip को रिकग्नाइज कर लेगा। आपको यहाँ पर लोकल अपडेट को क्लिक कर देना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपके फ़ोन को अपडेट करेगा उस वाली अपडेट फाइल से। आपका अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा तब आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर लिखा मिलेगा, OTA सक्सेस प्लीज़ रिबूट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस केवल पावर बटन को होल्ड करके अपने डिवाइस को रिबूट करना है और उसके बाद आपको अपने डिवाइस को लगभग 5-6 मिनट के लिए छोड़ देना है अपडेट होने के लिए। आप पैनिक मत करिएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो था वीडियो आज का, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस हमारे नए अपडेट में Black Shark 2 के हम लोगों को क्या क्या नया देखने को मिला है और जिन लोगों को अपडेट नहीं मिला है वो किस तरह इसको मैनुअल अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों से भी करवाइए ताकि आप फ्यूचर में भी ऐसे सारे वीडियो को कभी मिस ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं ज्ञान नॉलेज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।